बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी प्रशांत नट गिरफ्तार, पुलिस का दावा पूछताछ में जुर्म कबूला। हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, वोटिंग से पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और एआईएडीएमके का सदन से वॉकआउट। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा वो तमिलनाडु में पॉलिटिकल ब्रोकर का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में गढ़ी कैन के पास ब्रिज गिरा, दो लोगों की मौत, तीन घायल। केंद्र सरकार ने असम में एनआरसी की प्रक्रिया को 6 महीने के लिए बढ़ाते हुए 30 जून तक का वक्त दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी की मौत, इंटरनेट सेवा बंद। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार हुई, इंटरनेट चलाने में यूपी सबसे आगे। सूडान में रोटी की बढ़ती कीमतों को लेकर हो रहा प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस के साथ झड़प में 19 लोगों की मौत, 219 लोग घायल। भ्रष्टाचार में फंसे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुश्किलें बढ़ी, सरकार ने देश छोड़ने पर रोक लगाई। और मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए, भारत की कुल बढ़त 346 रन हुई।